कमलनाथ पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने वचन तो निभाया नहीं था, वो वचन के पक्के कहां से हो गए। दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी को गुरु चेला भी नरोत्तम मिश्रा ने कहा। वहीं मुआवजे के नाम पर किसानों को धोखा देने के आरोप भी उन्होंने कांग्रेस पर लगाए और जवाब दिया। वचन पत्र तो निभाया नहीं था उनने, जो वचन पत्र जारी किया था पिछली बार। कौन से वचन के पक्के? हाँ, एक वचन के जरूर पक्के हैं वो, कि राहुल जी के मामले में पक्के, और इसलिए देश से लेके प्रदेश तक कहीं नहीं दिख रहे वो। कल के धरने में ना दिल्ली में थे ना भोपाल में थे। एक फ्लॉप सो जो आपने कल देखा होगा ना, कि प्रभारी जी को ही कहना पड़ा कि वो होते तो ये आते। सीधे सीधे संकेत दिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कि मेरे मतभेद हैं, इस वचन के जरूर पक्के। ये गुरु चेला हैं दोनों। दिल्ली में राहुल जी ने किया तो गुरु को तो फिर आगे निकल नहीं था। पहले राहुल बाबा ने अपमान किया मीडिया का, और कल दिग्विजय सिंह जी ने कर दिया। ये ऐसा नहीं है कि अभी कर रहे हो आप। इमरजेंसी का समय देख लो, इमरजेंसी से लेके कल तक दिग्विजय सिंह जी हो, राहुल हो, चाहे इंदिरा जी हो, ये सभी मीडिया का अपमान करते हैं। कभी गोदी मीडिया बोलते हैं, कभी इस तरह की बात मीडिया के बारे में बोलते हैं, जिससे लोगों को मीडिया के प्रति अइच्छा जाहिर हो। कांग्रेस उनसे तो कहे कमलनाथ जी अभी तक क्यों नहीं गए, दिग्विजय सिंह जी एक हाथ खेत पर क्यों नहीं गए। अरे जैसे पाखंड करते हैं वैसे ही कोई पाखंड कर दिया होता किसी नेता ने, बड़े ने। हमारे मुख्यमंत्री तो गांव गांव घूम रहे, खेत खेत घूम रहे, डगर डगर घूम रहे, ओले की क्षति देख रहे, और स्पष्ट आदेश कर दिया है पूरे के पूरे बारीक सर्वे का। क्योंकि लगातार, जैसे कल भी विंध में, हमारे रीवा सतना के इलाके में, विंध्य क्षेत्र में कल गिरे हैं, तो ये चेक लगातार मौसम की मार है, प्राकृतिक विपदा है, दुख की घड़ी है किसान के लिए। और इस दुख की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी उनके साथ है। हमारे मुखिया शिवराज सिंह चौहान मनसा वाचा कर्मणा किसान के साथ हैं। किसान के आंसू पहुंच नहीं आने देंगे आँख में, और पूरी शिद्दत से, मेहनत से एक एक व्यक्ति सर्वे करेगा और राहत देगा।